वेलकम हैप्पी केपी असिस्टेंट डॉक्टर जी, आप लोग का फिर से स्वागत है। आज क्या कौन कौन लोग सवाल बनाए, इस क्वेश्चन को लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे भाई, क्या दिक्कत हुआ था? अब इतना अच्छा क्लियर एक फॉर्मूला को कई तरीके से आपको ड्राइव करके बताते हैं, फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए एग्जाम आजकल ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, जैसे आप चला रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जिनको बनते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करो यार। गर्मी इतनी है, गर्मी तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए, जुनून तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए, अगर ये नहीं आया काम नहीं होता है, जिद करना चाहिए, जिद कुछ भी करा देती है। तो जिद रखो, इस बार इसी साल में सेटलमेंट होना है, तो आप वो टाइम निर्धारित कर देते हैं, तो उसके लिए आप काम भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन बनाए थे, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हुआ था, अब चलिए शुरू करते हैं, हमको कहाँ कहाँ दिक्कत होता है। चलिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए और बैटरी में करंट और वोल्टेज के बारे में जानने के लिए सवाल है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ढेर सारी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, किसके, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। हम क्वेश्चन के बाद पढ़ ले, आप लोग तो पढ़ ही होंगे, कह रहे हैं कि 10 समान सेलों को कितना, 10 समान सेल 4 ओम के लोड रेजिस्टेंस के श्रेणी में जोड़ा जाता है और बैटरी के सिरों पर वोल्ट मीटर लगाने पर 12 वोल्ट दर्शाता है, ओपन सर्किट पर 18 वोल्ट दिखाता है। तो कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध तथा बाहरी प्रतिरोध से निकलने वाले करंट ज्ञात करें। बाहरी प्रतिरोध मतलब लोड जो लगाते हैं उसमें कितना करंट दे रहा है बैटरी, ये पूछ रहा है आपसे, और ये पूछ रहा है आंतरिक प्रतिरोध यानी छोटा या स्मॉल। देखिए दो चीजें तो आपको क्लियर हो गया ना कि आपको चाहिए क्या, समझ रहे हैं। बड़ा करंट, बाहरी प्रतिरोध से गुजरने वाला करंट कितना करंट मिल रहा है, और ये प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए हम थोड़ा सा जो सवाल कर रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो कहता है ना, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, वैसे वैसे करते जाइए, प्रोसीजर अपने आप फॉलो हो जाए, समझ रहे आपको। चलिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करें, कह रहा है कि 10 सेल है, थोड़ा सा 10 सेल, जैसे 10 सेल है ऐसे ऐसे करके 1 2 3 डॉट डॉट कर देते हैं, 10 सेल समझिए इसको, कितना 10 सेल। ये लगा है एक बाहरी लोड के साथ, वो लोड है 4 ओम, देखिए लिखा हुआ क्लियर लिखा हुआ है। ये आंख भगवान सबको देता है, आपको भी, पूरे दुनिया को भी, जानवर को भी, सांप आंख जो भी कीड़ा मकड़ा सबको देता है, लेकिन मनुष्य की बात करें, सभी मनुष्य को दो आंखें होती है लेकिन वो सब नहीं देख पाते हैं। आपको भी आंख है, डॉक्टर को भी आंख है, इंजीनियर को भी आंख है, डॉक्टर जो देख लेता है वो आप नहीं देख पाएंगे। एक अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी को, उसको अगर मान लीजिए लव लेटर दे दिया जाए पढ़ने के लिए, पढ़ पाएगा, देखेगा काला अक्षर वैसे बराबर, कोई थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसी पेज पे वो बहुत कुछ देख लेता है, और हंसना रोना इमोशनली उसके अनुसार वो डर जाता है। लेकिन कहने का मतलब वही है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करें तो आपके नजर में वो चीजें दिखने लगेंगी जो हमको दिखने लगता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी। चलिए हम कह रहे हैं कि 10 से लोड कितना है 4 ओम, और कहा है कि जब यहां पर टर्मिनल पर हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं लोड के साथ, तो टर्मिनल वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वीटी। तो जो जो दिया गया उसको यहां पर नोट करते हैं। देखिए ये 10 सेल है, तो सेल की संख्या कितना है 10, और कहा है कि कैपिटल आर यानी लोड के साथ जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का मान है कितना भाई 4 ओम, ठीक है। और कहा है कि जब इसको टर्मिनल लोड के साथ टर्मिनल पर वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो कितना वोल्टेज देता है, कह रहा है कि वोल्ट मीटर मेजरमेंट करता है 12 वोल्ट, तो भाई 12 वोल्ट मेजरमेंट किया टर्मिनल पर, इसी को वीटी या स्मॉल वी कहते हैं, वो कितना हो गया 12 वोल्ट हो गया। और कहा है कि लोड को खोल करके सभी सेल को ओपन सर्किट में चेक कर रहा है, इसका मतलब लोड नहीं लगाया तो 18 वोल्ट दे रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल पर 12 वोल्ट और ओपन सर्किट मतलब हटा दिया, हटाने के बाद तब जब चेक किया तो क्या बताया 18, इसका मतलब ई यानी इंटरनल ईएमएफ होगा ना, टोटल जो पैदा किया सेल वो वोल्टेज है, उसको हम लोग ई से नोट करते हैं, लिख देते हैं ई। ई कितना है भाई, देखो क्वेश्चन में 18 वोल्ट है, कितना है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। अब देखिए आपके पास पूछा क्या जा रहा है वो उसको नोट कर दीजिए, अगर वो लिख देते हैं ना तो आपको अंदाजा रहता है कि फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। चलिए कह रहा है क्वेश्चन आपको पूछा है कि प्रत्येक सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस, प्रत्येक सेल का किसका, प्रत्येक सेल का, पूरे सेल का, पूरे बैटरी का नहीं पूछा, पूरे बैटरी का नहीं, तो प्रत्येक सेल मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर पूछा है, और ये पूछा है कि सभी सेल को जोड़ने के बाद इसमें जो करंट जाएगा आई वो कितना होगा, एकदम क्लियर समझिए, यानी आई इज इक्वल टू व्हाट, दो क्वेश्चन है 1 और 2। देखिए हम आपको स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला बताए थे, याद है, भेज दो, याद नहीं है तो जुड़कर पानी में डूब जाओ, पढ़ाते हैं क्वेश्चन दे देते हैं नहीं बनता है, अब फॉर्मूला भी याद नहीं है, हम हिसाब लेंगे छोड़ेंगे नहीं, एक लगता है कि भाई चलो हम देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो देखना है तो सही से देखिए, हम कंप्लीट छोड़ेंगे नहीं, दूसरा समझिए, तो 7 समझ तक आप पीछा करेंगे, या तो छोड़ दीजिए पढ़ना, मेरे साथ जुड़े मत जुड़िए तभी छोड़ेंगे आपको। चलिए सॉल्व करिए, अब क्या कह रहा है कि स्मॉल आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर, ढेर सारे फॉर्मूला आपको बताए थे, सबसे पहले हमने कहा कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, ई माइनस वी टी इंटू आर बटे वी, ये आपको बताए थे, है ना, याद आ रहा है, ये हम आपको फॉर्मूला बताए थे भाई, इतना बेवैया धरकर कर दो यार, बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। चलिए अब हम चले इस पे सबका वैल्यू रखने जा रहे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल कितना है भाई 10 है ना, तो इसमें सभी में आर आर होगा, सभी सेल में कितना 10 आर, तो 10 आर होगा कि नहीं, देखिए 10 सेल है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, इसका भी आर, इसका भी आर, तो 10 दो सेल लगाए ना, तो 10 का रेजिस्टेंस होगा, और सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 आर, ये होगा ना, अगर पूछता सीधा एक सेल जुड़ा हुआ रहता तब आप एक आर देते सीरीज में। चलिए अब आपको ई का वैल्यू क्या हुआ, देखो पूछा जाता है जो उसके अकॉर्डिंग बनाइए, क्या है
ई का वैल्यू 18 वोल्ट लिख दीजिए 18 18 वोल्ट माइनस वीटी कितना है वीटी है 12 वोल्ट ठीक है। अब 4 ओम है बड़ा वाला लोड रेजिस्टेंस चालू लिखा हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है और बटे में वीटी दिया जाएगा 12। इसको अगर सॉल्व करिए आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 आर बराबर 6 × 4 ठीक है बटे में क्या 12 समझ आए कितना 18 माइनस 12 क्या हो गया 6 × 6 = 4 हो गया 24 यानी हो गया ये 24/12 यानी 10 आर बराबर 24/2 यानी 2 12 हो गया 24/12 यानी 2 आर की बात करें तो ये जाएगा 0.2 ओम मतलब स्मॉल आर का वैल्यू एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ये है कितना 0.2 ओम प्रत्येक सेल का। अगर टोटल सभी सेल का अगर प्रतिरोध पूछता तो कुल प्रतिरोध सभी सेल का बाहरी का नहीं तो हो जाता कितना 10 आर तो 10 × 0.2 ये हो जाता फर्स्ट आंसर कितना आसानी से। चलिए हम बात करें दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि बताइए लोड रेजिस्टेंस कितना होगा लोड रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस से लोड करंट आई बराबर आपको दूसरा नंबर है I = V/R ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं लेकिन जब हम बात करें इस सेल में तो सेल की जब बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस लोड में जो आएगा तो लोड में क्या वोल्टेज मिलता है लोड में टर्मिनल वोल्टेज VT मिलता है तो VT जोड़ेंगे या इसको VT कहेंगे ठीक है स्टैंडर्ड में ही बोलते हैं रेजिस्टेंस करें तो लोड में रेजिस्टेंस कितना 4 ओम तो करंट निकल जाएगा यहाँ से देखिए VT कितना है 12 वोल्ट और ये कैपिटल ओम यानी आर जो है वो है 4 ओम टोटल जाएगा 4 के बाद यानी 3 एम्पियर कहने का मतलब आपका जो लोड के साथ आई है IL जो निकला वो कितना निकला 3 एम्पियर किसी को डॉट है नहीं है ना इतने आसान आसान से धीरे धीरे हम आपको सॉल्व करा रहे क्वेश्चंस ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप कहेंगे कुछ लोग अलग तरीके से भी बनाए होंगे बताए वो भी हम आपको बताएं फॉर्मूला जो शुरू में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बताए थे उस पर भी आपको बन जाएगी जिसको आप नोट करिए और नोट करने के बाद जैसे आप क्लास खत्म करते हैं और अगले दिन क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को देख करके अपने मन से बना लीजिएगा अगर बन जाएगा समझिएगा पीछे पढ़ा रिवीजन हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे नियम पर आपको बताते हैं चलिए दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए करंट निकालने के लिए वही था लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक चीज हम आपको बता दें एक फॉर्मूला हम आपको बताया जाए शुरू में आई बराबर जब करंट निकल जाता है तो करंट से पहले भी निकल जाता है आई बराबर एन ई बटे आर प्लस आर ये बात आपको याद नहीं है शुरू में बताया स्टार्टिंग में तो यही बस प्रूफ किया था ना तो इसमें क्या करिए लिख दीजिए करंट कितना निकाले 3 एम्पियर तो 3 एम्पियर। अब देखिए एन ई की बात करें तो एन ई मतलब टोटल सेल का वोल्टेज टोटल कितना है ये 18 इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है 18 हो गया और ये जो आर है और ये जो स्मॉल आर है उसको लिख दीजिए क्या आर कितना 4 स्मॉल आर 10 को सेल 10 आर हो जाएगा ये है 3 एम्पियर आइए कोना क्रॉस हो जाएगा आ जाएगा ये जाएगा 4 + 10 आर बराबर 18 इसको सॉल्व कर लीजिए ये आर का वैल्यू आ जाएगा एम्पियर हटा देंगे ये लिखेंगे नहीं ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर सॉरी रेजिस्टेंस है तो ओम आएगा भाई ओम सॉल्व कर लो इसको ठीक है। चले ये फॉर्मूला में आपको दोनों में से कोई याद रखिए इसमें आई आपको पता होता है ये फॉर्मूला लगा सकते थे आई तो ऐसे भी टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था आप आई पहले भी निकाल सकते थे ठीक है लेकिन मेन मुद्दा था हमारा ये प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध पहले चर्चा किया था हम पहले पूछ लिए पहले बना लिए चलिए चलिए आगे ये थे आपके कल के सवाल। चलिए हम लोग आज के दौर में चलते हैं कि आज का कहा जा रहा है आज जो हम लोग देखेंगे वो बैटरी की कैपेसिटी की बात करेंगे ध्यान दीजिएगा बैटरी की कैपेसिटी यानी क्षमता जो है वो निर्धारित किया जाता है किसमें जैसे आप चलते हैं आपकी स्पीड निर्धारित की जाती है मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में ठीक है तो यहाँ बैटरी भी चलती है ना आप चार्ज करते हैं फिर वो डिस्चार्ज होता है तो उसके रेटिंग को कैसे डिटरमिन करते हैं आपको मालूम है थोड़ा सा कि आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं ना तो मोबाइल में आप क्या देखते हैं कितना एमएएच का बैटरी है एमएएच का बैटरी मतलब मिली एम्पियर आवर समझाएंगे अभी कैसे होता है मिली एम्पियर आवर और कैपेसिटी कैसे डिटरमिन करते हैं और किन किन बातों पर डिपेंड करता है धीरे से देखते जाएंगे हम आपको विश्वास दिला रहे हैं अभी भी यही कर रहे हैं कि अगर पूरे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं आप तो 90-95% क्वेश्चन आपके सेल के बनेंगे ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप बनाइए जाके आज एक क्लास के बाद टेस्ट हो जाएगा हम जब टेस्ट ले लिए जिस प्रकार उसके बाद जाकर देखिए तो कुछ है जो घटना चाहे कुछ कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन है जो हर चीज यहाँ नहीं ले सकते जैसे कुछ आएगा उस पर उसके बारे में चर्चा करेंगे कोई दिक्कत नहीं। बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो बैटरी की कैपेसिटी आप मिली एम्पियर आवर में मापते हैं जैसे एक मोबाइल में देखने जाते हैं तो मिली एम्पियर आवर में मेजरमेंट करते हैं ये होता है मिली एम्पियर आवर ठीक है इसको लिख लीजिए एमएएच क्या होता है मिली एम्पियर आवर ठीक है और एक ये एम्पियर आवर मिली एम्पियर बैटरी मोबाइल का बहुत छोटा होता है 5000 लिख लेता है कि बहुत कुछ ले दिया 5000 कोई बड़ा चीज नहीं है इसको एम्पियर में लाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा ठीक है ना तो लाएंगे देखेंगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं मिली एम्पियर आवर है इसी से बैटरी की क्षमता कैपेसिटी आपको पता चलता है लेकिन जब बैटरी की एफिशिएंसी की बात कैपेसिटी मतलब किसने हुआ मिली एम्पियर आवर में या एम्पियर आवर में इसका मतलब ये हुआ कि वो बैटरी एम्पियर आवर इसका अभी आपको समझ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे ये देखिए ना कैपेसिटी की बात करते हैं दिखाने की बात करते हैं आपको याद है कि एम्पियर आवर मिली एम्पियर सब हम क्या करते हैं बैटरी की कैपेसिटी को ये दिखा रहे हैं आपको याद रहेगा बैटरी की क्षमता डिपेंड किस पर करती है कि आप जो चार्ज किए कितना देर तक चलेगा मोबाइल मतलब डिस्चार्ज जितना लेट तक होता है यानी ज्यादा समय के बाद डिस्चार्ज होता है जो बैटरी कहते हो बैटरी एकदम मस्त है बहुत बैटरी इसका टाइम ड्यूरेशन अच्छा है क्योंकि ये डिस्चार्ज बहुत देर के बाद होता है समझिए बात मतलब जो बैटरी चार्ज करे और तुरंत बैठ जाता है लो हो जाता है वो बैटरी खराब करते हैं इसका मतलब एक बात अंदाजा लगा लीजिए कि जो भी बैटरी की कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है किस पर डिस्चार्जिंग रेट पर जैसे थोड़ा सा बताया आपको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं फिर हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे कह रहा है कि सामान्य वोल्टेज स्पेसिफिक ग्रेविटी और सामान्य डिस्चार्जिंग करंट पर बैटरी के डिस्चार्ज की योग्यता का वर्णन करने के लिए ठीक है इसका चर्चा क्या करेंगे डिस्चार्ज जो जितना देर के बाद डिस्चार्ज होगा वो बैटरी उतना अच्छा होगा इनका है कि डिस्चार्ज की योग्यता का वर्णन करने के लिए बैटरी के क्षमता शब्द का प्रयोग किया गया ठीक है और कहा कि इसे एम्पियर आवर यानी AH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है AH मतलब एम्पियर आवर समझेंगे क्या होता है एम्पियर आवर
कहा है कि बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता अगर आपको निकालना है तो उसके लिए करंट इनटू समय, ये करंट ये समय क्या होगा ये हम समझाते हैं आपको। देखिए किसी भी बैटरी का अगर कैपेसिटी क्षमता की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए बैटरी है, इस बैटरी को आप क्या करिए 5 एम्पियर का करंट बाहर से दीजिए और कंटिन्यू 5 एम्पियर देते रहिए कुछ समय तक, यानी आप 5 घंटा के लिए दे दिए। कितने देर के लिए? 5 घंटा के लिए। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। क्लियर समझिएगा, अगर बैटरी को 5 एम्पियर का करंट 5 घंटा के लिए दे रहे हैं तो बैटरी चार्ज होती है, कैपेसिटी हो जाएगी कितना 5 एम्पियर गुना 5 घंटा, यानी हो गया 25 एएच, यानी 25 एम्पियर आवर। ये तो था चार्जिंग का, चार्ज किए, लेकिन ये बैटरी सही कैपेसिटी सही क्षमता वाला कब होगा? जब इसी से 5 एम्पियर का करंट लीजिए, यानी अपने घर में ट्यूबलाइट जलाइए या और कोई डिवाइस जलाइए जो 5 एम्पियर पर कार्य करता हो, 5 एम्पियर पर 5 घंटा तक अगर ये दे देता है तो डिस्चार्जिंग रेट क्या है? 5/25 एम्पियर आवर। समझिए बात को, इसका मतलब ये बैटरी जितना देर में चार्ज हुआ उतना देर तक आउटपुट देता है, ऐसा तो होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि जितना देर तक चार्ज उतना देर तक चले ये गारंटी नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटी एकदम अनुपात 1:1 हो जाएगा, तो ये कैपेसिटी इसका अच्छा कहलाएगा। यानी डिस्चार्जिंग रेट पर बात कर रहा था क्षमता का, हमने चार्ज किया लेकिन डिस्चार्ज दूसरी रेट पर कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अलग अलग बैटरियों की बात करें, एक बैटरी हुआ, एक बैटरी और लेते हैं, उसको भी समान समय तक क्या करिए चार्ज करिए, उसी रेटिंग से 5 एम्पियर करंट दीजिए और 5 एम्पियर के साथ साथ 5 घंटा टाइम भी दीजिए, ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, तो बैटरी की क्षमता चार्जिंग रेट पर डिपेंड नहीं करती है मेरे दोस्त। ये बात अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल आपके साथ भी होता होगा, आपको पता नहीं चलता बता देंगे। यानी 25 एम्पीयर आवर देता है चार्ज किए, लेकिन क्या कराए कैपेसिटी तो चार्जिंग रेट पर डिपेंड नहीं करता, वो करता है डिस्चार्जिंग रेट पर। देखिए बैटरी दोनों सेम है, सेम वोल्ट सेम करंट और सेम टाइम दिए, लेकिन आप लगाए इस पर भी सेम रेटिंग का लगा दीजिए कोई लोड, यानी 3 एम्पीयर वाला 5 एम्पीयर लगा दीजिए सही रहेगा, और एक डिवाइस इस पर भी लगा दीजिए इस सेल पर भी, ये भी 5 एम्पीयर खपत करने वाला, ठीक है। तो याद रखिए ये जब चार्ज होकर डिस्चार्ज हो रहा था तो 5 एम्पीयर का डिवाइस चला, लेकिन मात्र क्या करा 4 घंटा चला, कितने देर 5 एम्पीयर का डिवाइस 4 घंटा चला, यानी 4 आवर चला, इसका मतलब 5/20 एम्पीयर आवर। इसकी कैपेसिटी है कितना 20 एम्पीयर आवर डिस्चार्ज होने की, तो डिस्चार्जिंग रेट ही बैटरी की कैपेसिटी बताता है। देखिए एक आदमी खूब खाता है, खूब खाता है काम पूरा करता है, तो उसका कैपेसिटी आप सकते हैं बेटर नहीं है। एक आदमी कम खाता है लेकिन काम अधिक करता है तो उसकी कैपेसिटी अधिक माना जाता है, मतलब काम करने पर मतलब एनर्जी लॉस कितना देर तक कर सकता है वो, यानी एनर्जी खपत करते 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 4 घंटा तक काम कर लिया। एक व्यक्ति है खाया अधिक लेकिन काम 2-3 घंटा में खत्म हो जाती है, तो कैपेसिटी किस पर एनर्जी कितना देर तक लगा सकता है काम चला सकता है, ये हुआ। ये तो एक सेल का, दूसरा सेल है जो क्या करता है 5 एम्पीयर लोड लगाए और ये मात्र 3 घंटा चला, यानी 3 घंटा चलते हो गया 15 एम्पीयर आवर। भाई सबको तो चार्ज वही दिए लेकिन काम ये वाला 20 एम्पीयर आवर कैपेसिटी के बढ़िया 4 घंटा चला और ये चला कितना 15 एम्पीयर आवर, यानी 3 घंटा चला। तो बताइए कि क्या हुआ, कैपेसिटी किसका दिखा इसका ऐसा कम क्यों, क्योंकि ये पहले डिस्चार्ज हो गया दूसरा वाला, लेकिन उसके 1 घंटा बाद तक भी चलता रहा। समझे बात को, आपको आपको समझ में आ गया कि डिस्चार्जिंग रेट ही कैपेसिटी को मेजरमेंट करता है, यानी एम्पीयर आवर का मतलब हुआ डिस्चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग टाइम की बात करता है, इसकी कैपेसिटी बताता है। अभी आगे और भी समझ जाएंगे आप क्लियर में। एक चीज आपको एग्जांपल यहां बता देते हैं, क्या होता है कि जब आपके मोबाइल में बैटरी है और शुरू शुरू बढ़िया बैकअप देता है और यहां बैकअप दे रहा है, इंटरनेट चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, बैटरी चार्ज करने का एकदम कोई टेंशन नहीं है, 50% चार्ज होता है, 100% चार्ज होता है, तो एक दिन चल जाता है, किसका दो दिन चल जाता है, जो कम यूज करता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आपके साथ आया होगा कि बैटरी 100% चार्ज हो रहा है पूरा समय ले रहा है, लेकिन अभी 100% आया 95% हुआ, एक गाना या एसडी क्वालिटी का कोई थोड़ा साउंड बढ़ा के चालू करिए तुरंत आगे 50% पे, आप पता नहीं कब आपको जाएगा, ये नोटिफिकेशन भी नहीं देता है, दूसरे सॉन्ग सुनते वो ऑफ हो जाता है। क्या हुआ, एक बैटरी है उतना ही देर तक चार्ज हुआ लेकिन दिन पूरा दिन इंटरनेट चलाइए, फेसबुक चलाइए, ट्विटर चलाइए, लेकिन वो क्या है मूवी देखिए फिर भी वो पूरा दिन जाता है। इसका मतलब आपने कहा कि बैटरी अच्छा है कौन वाला जो हर दिन पूरे दिन चलता है, डिस्चार्जिंग रेट पर कैपेसिटी बात करते हैं। याद रखिए वो था एम्पीयर आवर में, मोबाइल का छोटे छोटे मात्रा बैटरी सीधा इसी एम्पीयर आवर को मिली एम्पीयर आवर बदल देता है, वो मिली एम्पीयर आवर हो जाता है। ये थे आपके कैपेसिटी, कैपेसिटी की किसको एम्पीयर आवर में मेजरमेंट करते क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और एफिशिएंसी अलग चीज होता है, बताइए कैपेसिटी है एफिशिएंसी वाट आवर में भी होता है और एम्पीयर आवर में भी होता है, लेकिन याद रखिएगा वो एफिशिएंसी परसेंटेज में होता है, यहां पर कैपेसिटी की बात की है। लेकिन ये कैपेसिटी बैटरी की कैपेसिटी, अभी लेने से बैटरी चला था तो हम तो बहुत सारे दूसरा बैटरी का चर्चा करते थे, याद रखिए मोबाइल वाला बैटरी इसके साथ चर्चा नहीं करेंगे, इसमें पोलाइट नहीं होता है, ये वाला ठीक है ना, तो अलग अलग चर्चा करेंगे हम आपको सिर्फ कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटी सबका वही फॉर्मूला है। चलिए इसको नोट हटा दे, इसको नोट करना कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। चलिए कह रहा है कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, तो कौन कौन बातों पर निर्भर करती है भाई, ये चीज देखेंगे क्या क्या होता है। ध्यान दीजिए जो बैटरी की कैपेसिटी है पॉजिटिव प्लेट की संख्या और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये लेडी सेल में क्या होता है कि आपको पता है कि बैटरी का कंटेनर होता है उसमें सेल होता है और कई सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं बैटरी का निर्माण करते हैं। ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट उसका क्षेत्रफल मतलब अंदर में ऐसे प्लेट आते थे, देखेंगे आगे तो ये प्लेट का जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उस क्योंकि चार्ज जो है क्षेत्रफल पर ही स्टोर होता है, जितना क्षेत्रफल बड़ा होगा उस पर आवेश उतना जमा होगा, समझे ना। तो चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट की संख्या मतलब प्लेटों की संख्या कितनी है, जितना प्लेट होगा उतना चार्ज उस पर स्टोर होगा, आवेश उस पर जमा होगा, ये कहा है पॉजिटिव प्लेट की संख्या और उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है किसी भी बैटरी का कैपेसिटी चल क्षमता डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वोल्टेज पर। देखिए हमने ये बात कहा कि क्या चार्जिंग वोल्टेज देते हैं और कितना देर तक के बाद डिस्चार्ज होता है इस बात पर भी डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी, समझ गए। दूसरा ये कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, देखिए इलेक्ट्रोलाइट मतलब जलीय विलयन, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट जिस बैटरी में यूज करते हैं उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, यानी विशिष्ट घनत्व पर, जिसका विशिष्ट घनत्व अधिक घनत्व होता है और ज्यादा देर तक वह घनत्व कम करता है वो बैटरी का अच्छा कैपेसिटी आपको देता है। दूसरा सेपरेटर के बनावट पर, देखिए ये क्यों बात कर रहे हैं सर, सेपरेटर के बनावट, देखिए प्लेट जो हम लगाते हैं नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट जो हम बनाते हैं, याद रखिएगा नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में सेपरेटर जितना अच्छा होगा उतना आपको बैटरी का नुकसान कम होगा। क्यों नुकसान, क्या नुकसान कम होगा सर, अगर दो प्लेटें हैं इनके बीच में ऐसा सेपरेटर डाल दीजिए कि दोनों प्लेटों को शॉर्ट करने का थोड़ा सा संभावना बना रहे, तो ऐसी स्थिति में कुछ उसमें रेजिस्टेंस की वजह से प्रतिरोध की वजह से वो प्लेट हीट हो जाता है और बैटरी आपका वोल्टेज अन्यथा बेवजह इसमें खर्चा होता है। तो सेपरेटर जितना अच्छा होगा दोनों प्लेटों का जो डिस्टेंस मतलब अलग करने का अच्छा क्वालिटी होगा वो क्या करेगा आपको रेजिस्टेंस कम पैदा करेगा और आपको ज्यादा करंट आपको लोड में देगा, यानी बाय रेजिस्टेंस में देगा। यह था सेपरेटर की बनावट पर। दूसरा बात कर रहा है
कि इसके तापमान बढ़ने से क्षमता बढ़ती है। देखिए इसका जो तापमान है अंदर वाला इलेक्ट्रोलाइट का, तो डेंसिटी बढ़ जाता है बाद में, सॉरी नहीं डेंसिटी नहीं, तापमान बढ़ने पर क्षमता बढ़ता है, ये बात इन्हीं का लगा है, आगे समझाएंगे। चलिए आप बताइए, आपको कह रहा है कि बैटरी की आयु एवं जीवन चार्ट, तो बैटरी की आयु एवं जीवन चार्ट ये तो होता है, इसका मतलब जिसका जितना दिन तक लाइफ टाइम होता है उतना ही दिन तक चलेगा भाई। जो आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका होता है मैग्नीफाइंग डेट, मैग्नीफाइंग डेट मतलब प्रोडक्ट तैयार होता है, एक होता है एक्सपायरी डेट, मैग्नीफाइंग डेट मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद उसको एक्सपायरी डेट पे किया जाता है, उतने दिन तक चलता है, उसे 10 दिन और चले, थोड़ा दिन और चले, लेकिन उसके बाद आप चार्ज करिए, डिस्चार्ज करिए, बैटरी की आयु खत्म हो चुकी है तो काम करेगा, तो कह रहा है कि इसे जीवन चार्ट पर भी। इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं, कभी कभी सारी बातों को लिख दिया जाता है, इनमें से सभी बोल दिया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं किस पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, उसकी गलत पर, विशिष्ट गलत पर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्लेटो की संख्या क्षेत्र पर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी पर आता है, बार बार पूछता है किस पर निर्भर करता है, तो उसके जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, बाकी चीज को छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए मतलब वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्वेश्चन अभी उसे, लेकिन याद तो आपको सब रखना पड़ेगा। समझ गए आपको, ये थे कि जो बैटरी का डिस्चार्जिंग या चार्जिंग कैपेसिटी कितने देर तक काम करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पर। चलिए हम चलते हैं आगे, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। अब हम एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, बैटरी की एफिशिएंसी बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, और एफिशिएंसी कौन से बैटरी का कितना होता है ये आपको याद रखना है। देखिए एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल की दक्षता, दक्षता का मतलब क्या होता है कि आप कितना देर तक चार्ज किए और कितना देर तक डिस्चार्ज हुआ, सीधा सीधा उसका अनुपात होता है, चाहे वो एम्पियर आवर में बात करें चाहे वो वाट आवर में बात करें। तो आपको बता दें कि एम्पियर आवर दक्षता होता है एक होता है वाट आवर दक्षता, यानी वाट आवर एफिशिएंसी और एम्पियर आवर एफिशिएंसी। देखिए क्या होता है एम्पियर आवर एफिशिएंसी, थोड़ा समझिएगा, ये कहा है कि एम्पियर आवर, ये नीटा है एम्पियर आवर, ठीक है, और एम्पियर आवर कहना कि डिस्चार्जिंग पर एम्पियर आवर बटे चार्जिंग पर आवर इनटू 100 एफिशिएंसी निकालते हैं, तो क्या कहते हैं, हमने क्या कहा कि कितना देर तक डिस्चार्ज होगा, यानी एफिशिएंसी कैपेसिटी बैटरी की निकालेंगे डिस्चार्जिंग रेट पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी की एफिशिएंसी निर्भर करती है किस पर, चार्जिंग पर, डिस्चार्जिंग पर, या और बाकी चीज लिख जाते हैं। लड़का क्या कहता है, एकदम उसको यही दिमाग में आता है कि चार्जिंग पर, वो लगता है कि चार्ज बहुत ज्यादा करेंगे बहुत ज्यादा चलेगा, आपके मोबाइल का बैटरी 100% चार्ज हो गया, आप भर दिन उसके बाद भी लगे रहिए, क्या उससे ज्यादा चल जाएगा, वो खराब हो सकता है, ज्यादा नहीं जा सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है डिस्चार्जिंग रेट पर। देखिए इसलिए हमने कहा कि डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर बटे चार्जिंग एम्पियर आवर इनटू 100 अगर निकालेंगे तो निकलेगा एम्पियर आवर दक्षता। क्वेश्चन बनाएंगे इस पर टेंशन मत लीजिए, कह रहा है कि है वाट आवर, वाट आवर का मतलब हुआ कि आप कितना वाट का डिवाइस लगा रहे हैं और कितना घंटा वो डिवाइस उस बैटरी से चल पा रहा है, यानी डिस्चार्जिंग पर वाट आवर और चार्जिंग पर वाट आवर, मतलब कितना वाट पावर देकर आप चार्ज कर रहे हैं, और उसी बैटरी को पीछे एम्पियर आवर बताए थे कि उसी प्रकार कितना देर तक वो चल रहा है, यानी डिस्चार्ज हुआ है। जो मान लीजिए वाट आवर सेम वाट आवर का दो बैटरी ले लीजिए, सॉरी दो डिवाइस ले लीजिए, दो सेम क्वालिटी का बैटरी ले लीजिए, दोनों को चलाइए सेम टाइम सेम देर के लिए आप चार्ज करिए, जो बैटरी ज्यादा देर तक काम करेगा, दोनों वाट सेम है तो जो ज्यादा देर तक चलेगा, दोनों वाट वाला नहीं, जो ज्यादा देर तक चलेगा उसकी कैपेसिटी अधिक होगी, यानी कितना इनपुट वाट आवर दिए और कितना आउटपुट वाट आवर दिया, इसका रेशियो वाट आवर एफिशिएंसी कहलाता है। यानी अगर फॉर्मूला बात करेगा एकदम फॉर्मूला याद रखेगा, सवाल इसी पर आपको बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण नहीं कर रहा है कि अगर वाट आवर एफिशिएंसी निकालना हो तो क्या करना, डिस्चार्जिंग पर वाट आवर, बहुत आसान सवाल पूछता है इस पर, चार्जिंग पर वाट आवर, कोई बात नहीं, देखिए लिखा है कि डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा और चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है, ये एम्पियर आवर दक्षता है। डिस्चार्जिंग के समय दी गई तथा बैटरी चार्जिंग करते समय इनपुट एनर्जी का अनुपात क्या कहलाता है, वाट आवर एफिशिएंसी। आपको पता है वाट आवर क्या एनर्जी है, वाट आवर एनर्जी है ना, kWh किलो वाट आवर या वाट आवर, तो ये एनर्जी है, कितना एनर्जी दिए बाद में कितने देर तक वो एनर्जी आपको देगा, इसका अनुपात पूछा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल का है, ध्यान दीजिएगा, लेड एसिड सेल का आगे बढ़िएगा नहीं, ये जो है द्वितीयक सेल में सेकेंडरी सेल की एफिशिएंसी आपको बता रहे, ठीक है, याद रख लीजिएगा किसका, लेड एसिड सेल, नहीं तो आगे फिर आगे एक सेल तो कंफ्यूज नहीं होना, लेड एसिड सेल एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90-95% होता है, याद रखिएगा कहीं पर 90% देगा कहीं पर 95% देगा। सेकेंडरी सेल डायरेक्ट दे दिया तो आपको ये मेंशन करना, सेकेंडरी सेल आगे आपको एल्काइल सेल बताए थे वो भी सेकेंडरी सेल है, वहां भी अलग अलग एफिशिएंसी होगा, याद रखिएगा 95% कौन सा एम्पियर आवर एफिशिएंसी याद रखिए, और आपको यहां पर देखिए 80-85% कौन सा वाट आवर एफिशिएंसी। तो क्या हुआ एकदम इसको समझ लीजिए, एकदम कंडक्टर वाला सीट पर हमेशा रखिए, जैसे बिना ड्राइवर बिना कंडक्टर नहीं चलता है, तो सेल में समझिए 1% वाला चार्ट आपको याद रखना चाहिए कम से कम, एकदम एक नंबर आ जाता है 80-85% वाट आवर एफिशिएंसी। चले देखिए ये जो 80-85% लिखा हुआ है ना, जब आप जाएंगे लिंग वगैरह बुक में तो नियर अबाउट 80% लिखा है, वो लिखा 80% के आसपास, 80% के आसपास में हम एवरेज करके, क्योंकि सारे बुक में कोई 80-85 लिखता है, इसलिए हमने क्या कर दिया 80 तक लिख दिया, फिर पीछे भी 5% आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आसपास लिखा है। चलिए ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ठीक है, गर्मी बहुत है क्या करेंगे, चलिए फिर कोई बात नहीं, नोट लगा, ये क्वेश्चन है आपका इसी एफिशिएंसी निकालने के लिए, ये कैपेसिटी निकालना एफिशिएंसी निकालना अलग अलग चीजें, तो पहले कैपेसिटी आपको बताए थे, तो कैपेसिटी पर आधारित क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर एफिशिएंसी पर देखें क्या पूछते हैं। कह रहा है कि एक बैटरी 20 एम्पियर करंट 15 घंटे के लिए देती है ये निकल लेती है, देती है मतलब डिस्चार्ज होती है, इसकी एम्पियर आवर क्षमता ज्ञात करो, क्या बात करना, एम्पियर करंट कितना है, एम्पियर का वैल्यू है 20 एम्पियर और करंट धारा हो गया, अब टाइम की बात करें, टाइम कितना है, टाइम है आपका कितना है 15 घंटा, तो ध्यान दीजिएगा अगर फॉर्मूला एम्पियर आवर की बात बात करें तो एएच निकालने के लिए आपको बताएं एम्पियर आवर कैपेसिटी आपका क्षमता, यानी कि एम्पियर गुना समय, एम्पियर गुना समय, तो ये बात करिए टाइम हमेशा घंटा में होना चाहिए सेकंड में, एम्पियर मतलब ए गुना एच, और ये कमाना है कितना, ये कमाना है 20 है ना,
और एच का मान है 15 11 फाइनल निकल गया 15 30 300 एम्पियर आवर। इसका मतलब ये जो बैटरी है 300 आवर एम्पियर की बैटरी, अगर आप इसको 20 एम्पियर का लोड देकर चला रहे हैं तो 15 घंटा चलेगा, अगर इसको 30 एम्पियर आवर देखिए एक बार समझ में आ जाएगा, अगर 30 एम्पियर का करंट लोड के साथ लगाएं तो 30 है तो कितना देर चलेगा 10 घंटा। अगर मान लीजिए आप क्या करिए इसको यहाँ पर 15 दे दीजिए, 15 एम्पियर की बात करते तो ज्यादा देर तक चलता, समझ गए ना, जितना करंट दे लोड उतना कम समय तक चलेगा लेकिन कैपेसिटी वही रहेगी, क्षमता 300 एम्पियर आवर रहेगा। हाँ, या तो मान लीजिए आप कहेंगे सर इसको 15 है तो 10 कर लीजिए, 10 कर लीजिएगा तो 10 लेकिन पूरा कितना है 10 कर लीजिएगा तो 10 दीजिए 30 हो जाएगा, यानी कि 30 घंटा चलेगा, 30 एम्पियर आवर सॉरी 30 एम्पियर आवर ज्यादा देर तक चला सकते हैं उसको कम लोड देकर। ये कैपेसिटी उसका है, चाहे कैपेसिटी सामान आपको मान लीजिए ये सीधा समझिए ना, सामान टॉफी आपको दे दिया है 10 को 10 टॉफी दे दिया है कि भाई आपको एक घंटा खाना है 10 घंटा चलेगा, वो एक बार में दो टॉफी खा जाता है तो 5 घंटा चलेगा, अगर मान लीजिए एक घंटा खाना है वो दो घंटा खा रहा है तो 20 घंटा चलेगा, टॉफी तो 10 ही है ना, तो कहने का मतलब वो कितना देर में खत्म हो जाएगा ये डिपेंड करता है आप यूज कितना देर तक करते हैं किस करंट के साथ करते हैं। अब हम एफिशिएंसी पर सवाल बना, इसमें आपको देख कर लगेगा डर लगेगा सवाल देख करके, सर पूरा महाभारत लिख दिया इसमें, इसमें कैसे समझ में आएगा, देखो भाई इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, दुनियादारी के झमेले में नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस को पढ़िए आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम बना लीजिएगा, एक बार ग्रामर मान लीजिए इसको अभी रोक दीजिए क्लास होल्ड करिए, इसको एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई कर लीजिए टाइम भागा नहीं जा रहा है आपको, उतना ही टाइम आगे बढ़ेंगे तो भी एक बार देखिए, चलिए बना नहीं बना नहीं बना तो चलिए हम आपको बनाते हैं क्या क्या है, लोग पढ़ के कंफ्यूजन हो गया कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए ये पहले क्वेश्चन था कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी और इसके सेकंड से वाट आवर एफिशिएंसी क्या है, दोनों के हमने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है, ये अलग बात है कि आपको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट के लिए नहीं बन पा रहा है, अभी आपको आसान से बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी निकालिए, क्या एम्पियर आवर एफिशिएंसी दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में पढ़िए इसके यहां पर जो 2 वोल्ट की समान टर्मिनल वोल्टेज पर 6 घंटे के लिए 30 एम्पीयर की समान दर से डिस्चार्ज किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो आपकी जो एम्पीयर आवर एफिशिएंसी की बात करें तो एम्पीयर आवर एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला अभी आपने देखा कि डिस्चार्जिंग पर करंट एम्पीयर आवर है और बटे चार्जिंग पर समय आपको पूछा था एम्पीयर आवर, यानी फॉर्मूला हम आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि ये लिखा हुआ है कि क्या कि 2 वोल्ट पर 2 वोल्ट से चार्ज हो रहा है और 6 घंटे के लिए टाइम जो है 6 घंटा 6 आवर और 30 एम्पीयर की समान पर डिस्चार्ज हो रहा है, कितना इतने देर के लिए ए यानी एम्पीयर कितना है 30 एम्पीयर, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्जिंग और आपको फॉर्मूला क्या बताया कि एम्पियर ए एच एफिशिएंसी एम्पियर आवर था डिस्चार्जिंग पर एम्पियर आवर बटे में चार्जिंग पर एम्पियर आवर ए एच, इसका मतलब भाई एम्पियर आवर डिस्चार्जिंग पर तो एम्पियर आवर डिस्चार्जिंग एम्पियर कितना 30 तो क्या 30 ए एम्पियर और टाइम कितना है एच कितना है 6 घंटा लिखा हुआ यहां पर देख लीजिए ये 6 घंटा और बटे में चार्जिंग की बात करा ये कहा है इसे सही व्यवस्था मिलाने के लिए, देखिए सही व्यवस्था का मतलब क्या ये डिस्चार्ज कर दिया तो सही व्यवस्था मिलाने के लिए आपको गड़बड़ हो गया समझ में कि सही व्यवस्था मिलाने के लिए इसका मतलब डिस्चार्ज कर दिया था तो फिर से चार्जिंग मिलाने के लिए तो चार्ज किया कितना सही व्यवस्था मिलाने के लिए मतलब चार्ज करने के लिए क्या किया 5 घंटा तक 40 एम्पीयर का करंट दिया तो चार्जिंग एम्पीयर आवर क्या हो जाएगा चार्जिंग 40 एम्पीयर से कर रहा है कितने देर तक दिया है भाई 5 घंटा तक दिया है और परसेंटेज आप निकालेंगे तो परसेंटेज की बात करें एफिशिएंसी लगभग शेयर की जो होती है अभी हमने बताया कि 90 से 95% इसका एम्पीयर आवर होता है और क्या कहते हैं वाटर एफिशिएंसी अभी अभी निकाले हम लोग ये 80 निकाले लिखा हुआ था 80-85% वो अभी निकाल के देखते हैं किसे करीब जाता है अभी सॉल्व करिए इसको ये हो जाएगा 318 यानी 180 ये 100 फॉर्मूला में हमारे परसेंटेज निकालेंगे तो ये 100 जाएगा और याद रखिए सॉल्व करिए इसको ये 180 बटे 200 × 100 इसको सॉल्व करिए ये कट जाएगा 2 9 18 कितना निकला 90% निकला ये तो करेक्ट वही निकल गया वैल्यू भाई 90% 92 95% एफिशिएंसी होता है वाट एम्पीयर आवर अभी सवाल यही बताया अगले सवाल भी कांसेप्ट 90% निकल गया अब आपको याद होना चाहिए कि एम्पीयर आवर एफिशिएंसी लेड एसिड सेल की 92 से 95% चला गया देखिए ये था आपका एम्पीयर आवर एफिशिएंसी कोई दिक्कत नहीं था भाई दोनों का अनुपात था दोनों को निकाल कर रख दीजिए आपको बन जाएगा अभी अभी एक क्वेश्चन दूसरा भी इसमें है क्या वाट आवर एफिशिएंसी तो आपको फॉर्मूला हमने बताया कि डिस्चार्जिंग रेट पर वाट आवर और बटे में चार्जिंग रेट पर वाट आवर 200% निकालना है तो आपको घंटे से गुणा करना ही पड़ेगा ठीक है तो चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन करा है तो उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या था कि आपको फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि जो दिया हुआ वो तो पता चलेगा कि उसमें क्या क्या मांगता है तो कहें सीधा सीधा डब्ल्यू ए एच लिख देते हैं वाट आवर एफिशिएंसी वाट आवर एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ डिस्चार्जिंग पर डी डिस्चार्जिंग पर वाट आवर तो वाट आवर निकालने के लिए वाट इंटू आवर और चार्जिंग सी एच ए आर जी आई एन जी जी आई एन जी ठीक क्या वाट आवर देखो वहां पर पूरा भाषा लिखा हुआ यहां पर लिखते हैं वाट आवर का मतलब वाट मतलब क्या पावर और एच मतलब घंटा तो पावर वाट निकालने के लिए आपको दिया है क्या ये डिस्चार्जिंग पर वाट आवर डिस्चार्जिंग पर वाट आवर निकालने के लिए क्या क्या जरूरी वाट निकालने के लिए आपको साइड में लिखा देते हैं कि पी बराबर वी आई होना जरूरी है टाइम जो है जब पूरा ऊर्जा की बात करें तो टाइम तो एक्स्ट्रा चाहिए दोनों समय में तो देखिए दिया क्या हुआ 2 वोल्ट की समान टर्मिनल वोल्टेज पर 6 घंटे के लिए 30 एम्पीयर टाइम देखकर चार्ज किया जा रहा है वी है आई है एच है तो देखिए क्या यह है डिस्चार्जिंग का हमने क्या करा है इतने समान दर से क्या करा है वोल्टेज दे रहा है डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्जिंग पर वाट आवर की बात करें क्या हो जाएगा वाट मतलब क्या वी इंटू आई ये हो गया वाट ठीक है और घंटा तो है आपका हो गया वाट आवर और बटे नहीं चार्जिंग पर वोल्टेज कितना होगा तो चार्जिंग पर बात करें तो 5 घंटा 40 एम्पीयर देकर चार्ज कराए और ये देखिए यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज की बात करें 2.5 वोल्टेज इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जिंग पर आप अलग निकाल सकते हैं लीजिए निकाल के अलग लिख लीजिएगा ओपन बाद में फिर परसेंटेज नंबर कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में अलग लिखने का आपको सजाने का फुर्सत नहीं होता है इसलिए मेरा आपको यही है अब तक कंप्लीट कंप्लीशन अकॉर्डिंग क्या करा वी आई तब वोल्टेज 2.5 ठीक है और क्या आई कितने देर तक चार्ज कर रहा है कितने 40 एम्पीयर से ये जाएगा चार्जिंग का 40 एम्पीयर और चार्जिंग का 5 घंटा वैसे आप एम्पीयर आवर निकाल चुके थे किसका इसका तो अलग अलग था
चलिए तो सॉल्व करिए आगे। देखिए डिस्चार्जिंग पर था 6 घंटा 30 एम्पियर और 2 या वोल्ट लिखिए V के जगह पे 2 और करंट क्या है करंट मतलब 30 एम्पियर डिस्चार्जिंग के समय 30 एम्पियर तो V × I पावर P पावर VI और 6 घंटा तो 6 घंटा अब बटे इसका तो आप लिख लिए 2.5 × 40 × 5 एम्पियर इसको आप सॉल्व करिए सब क्या आएगा आपको इसको सॉल्व करिए और परसेंटेज में आपको पता है एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होता है तो हमने परसेंटेज का यहां पर किया अंतिम में सीधा क्या करें 100 से गुणा कर दिए तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 72% आप सॉल्व करके देख लीजिए 72% देखिए ये वाट आवर एफिशिएंसी आपको कितना नियर अबाउट 80 के पास पहुंच रहा है यानी 72% है कहीं 75 कहीं 80 दिखता है तो आप टेंशन मत जाइएगा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एकदम कंप्लीट हम आपको बता रहे हैं आप करते तो अलग अलग लिख सकते थे आप अलग अलग वाट आवर चार्जिंग पर वाट आवर निकाल लीजिएगा डिस्चार्जिंग पर वाट आवर निकाल लीजिएगा तब जाके अनुपात करके 100 से गुणा कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसको नोट कर लीजिए ये थे आपको कैपेसिटी पर वाट आवर एफिशिएंसी और एम्पीयर आवर एफिशिएंसी पर।